हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु व अन्य लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो, यदि जीवन में समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसके सरल सटीक चमत्कारी समाधान भी हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 20 अगस्त के पंचांग, राशिफल और महाउपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075, मास चल रहा है श्रावण का, तिथि शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है वैद्युति और करण है तैतिल। तो ये तो बात रही आज के महा पंचांग की। अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज अपना खोया हुआ आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पुनः वापस प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी की निंदा आप न करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आपने काफ़ी समय से अपने घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आज आपको इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपसे आपने अपने किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, तो यकीन मानिए कि आपका विश्वास सही होगा और आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और उत्साह में कमी ना होने दें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है मित्रों के बारे में सही सोच रखने का। आज कहीं बाहर घूमना फिरना चाहते हैं तो आप अपने मित्रों के साथ कार्यक्रम बना सकते हैं। ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीब का अनादर आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज कुछ जोखिम उठाने के लिए तैयार रहें। अगर आप किसी समस्या में उलझ गए हैं तो चिंता करने से बेहतर है कि उसका समाधान ढूंढें। ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धन का व्यय आप न करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोग, कुछ ऐसे बदलाव भी आज आपके जीवन में हो सकते हैं जो आपके जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करें। बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन के वो हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे बदलाव को आत्मसात करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। घर की सजावट, इंटीरियर वगैरह को या गृहस्थी की आवश्यक चीज़ों को खरीदने के लिए आज आपके लिए कुछ खर्चे की स्थिति सामने आ सकती है। ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। समय व्यर्थ में आप न गंवाएं। कन्या राशि। परिवार में भाई बंधु के साथ कुछ वाद विवाद, कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा होना, ऐसी स्थिति दिखाई देता है, तो ऐसे में भूल जाइए, लोगों को क्षमा करिए और आगे बढ़िए। शायद आपको किसी चिंता अथवा मानसिक तनाव ने आज घेर रखा है, तो उससे आपका कहीं आज मन न लगे, ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ज़्यादा उत्सुक न हो। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप सफलता के लिए या किसी काम को बनाने के लिए शॉर्टकट ले रहे हैं तो आपको बहुत ही सचेत रह करके काम करना होगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दबाने का प्रयत्न कर सकते हैं। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। निवेश के लिए यह समय ठीक नहीं कहा जा सकता। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, आज किसी धार्मिक, सामाजिक, नेक कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। धन से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय आपको आज नहीं करना चाहिए। ओम बीजापुर फलाशक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। खराब स्वास्थ्य को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी न करें। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोग, आज एक समय में एक ही काम करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जरा सी भी लापरवाही लंबे समय तक आपको झेलनी पड़ सकती है। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की रुकावट से आप तनावग्रस्त बिल्कुल भी ना हो। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोग, आज रिस्क लेने का दिन नहीं है, काम के साथ साथ परिवार को भी समय देना चाहिए, उसका आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो आपके बीच में और परिवार के बीच में दूरियां कुछ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कार्य में अवरोध आए तो उससे मन को निराश न करें। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यर्थ के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, फिजूल की बहस में आपको नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आप अपने ज़रूरी काम से चूक जाएंगे। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा बना करके न रखें। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोग, आज अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से जितना कुछ भी आप सीख सकते हैं, आपको उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। आपको आज अपने किसी भी काम को बनाने के लिए एक बड़ी टीम की आवश्यकता पड़ सकती है। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और रुपए पैसे के लेन देन में आपको आज बहुत ही सचेत रहना होगा। तो मित्रों, ये तो बात रही आज की 12 राशि की। हम लोगों ने जाना कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियाँ क्या कहते हैं, दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय के बारे में, जिसमें मैं आपको महादेव शिव को प्रसन्न करने के कुछ उपाय बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ हैं और सभी देवी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शिव अनादि पर अनंत हैं। शिव के जन्म की कथा भी अजीब है। किसी भी देवी देवता को जब प्रसन्न करना होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, उन्हीं चीज़ों को आप समर्पित करें जो भी उस देवी को या देवता को प्रिय है, पसंद है, और वो कृत्य, वो काम न करें, वो चीज़ें समर्पित न करें जो उनको पसंद नहीं है। हमारे धार्मिक शास्त्रों का जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भगवान शिव को क्या क्या चीज़ें प्रिय हैं और किन चीज़ों को कभी भी शिवलिंग की पूजा के काम में नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में बहुत बार वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है और मैंने भी आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताया है। तो आइए आज जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें शिव जी को प्रिय हैं और किन चीज़ों के माध्यम से, किन विधियों के माध्यम से आप उनको प्रसन्न करके उनकी कृपा ले सकते हैं। अभिषेक, रुद्राभिषेक। शिवलिंग का अभिषेक यदि गंगा जल से किया जाए तो भगवान शिव जो हैं वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। अभिषेक में फिर आप दूध में चीनी मिला करके शिवलिंग का स्नान भी करा सकते हैं और अलग अलग पदार्थों से भी अभिषेक किया जाता है, वो हम लोगों ने आपको बताया ही है। भांग और धतूरा, शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं। काले तिल, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने चाहिए। काले तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल और बहुत उत्तम उपाय है। आंकड़े के पुष्प, आंकड़े के पुष्प शिवलिंग पर लाल या सफ़ेद आंकड़े के पुष्प चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्वपत्र, शिव आराधना में शिवलिंग पर बिल्वपत्र पर जिसमें चंदन से ओम लिखा हो, कुछ लोग ओम नमः शिवाय लिखते हैं और कुछ लोग अगर नहीं भी लिख पाते कुछ, तो तीनों पत्ते पर सिर्फ सफ़ेद चंदन की या लाल चंदन की बिंदी लगा करके भी समर्पित कर सकते हैं। सांड को यानी नंदी देवता को गुड़ खिलाना, भगवान महादेव के वाहन नंदी जी हैं, अतः घर के आसपास सांड को गुड़ खिलाने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। पारद शिवलिंग की पूजा, घर में छोटा सा पारद शिवलिंग रख करके रोज अभिषेक करना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैंने ये भी बताया कि आपको ध्यान ये देखना होगा कि आप नियमित रूप से उनकी पूजा आराधना कर सकें। भस्म और तिलक, भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है, अतः शिवलिंग पर भस्म चढ़ानी चाहिए और उसका तिलक स्वयं भी करना चाहिए। शिवलिंग पर त्रिपुंड, भगवान शिव को की शिवलिंग के रूप में पूजा करते समय त्रिपुंड बनाएं, उस पर तीन धारियां आपको बनानी चाहिए। त्रिपुंड का तिलक आपको खुद भी करना चाहिए। त्रिपुंड का तिलक भगवान शिव की कृपा किसी भी जातक को, साधक को बहुत आसानी से दिलाता है। और पीछे एपिसोड में मैंने आपको हाल फिलहाल में ये जानकारी दी थी कि भगवान शिव की पूजा में त्रिपुंड और रुद्राक्ष के बिना महादेव की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति बिना त्रिपुंड धारण किए, बिना रुद्राक्ष पहने शिव जी की पूजा करता है तो वो फिर पूजा पूरी नहीं होती। शिव ग्रंथों का पान, शिव महिमा के महान ग्रंथ जैसे शिव पुराण का हर दिन पाठ करना चाहिए, खासतौर पर सावन के महीने में। जितना आप शिव महिमा में डुबकी लगाएंगे, महादेव आपसे उतने ही प्रसन्न होंगे। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शिव चर्चा हो, शिव जी के प्रसंगों के बारे में, उनकी सारी कथा गाथा के बारे में चर्चा हो, उतना जातक को, साधक को लाभ मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत रोचक, बहुत आवश्यक लगी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी थी। इसका लाभ आप सावन का जो महीना चल रहा है इसमें ज़रूर ले पाएंगे और ये उपाय किसी भी शिव पूजा की तिथियों में किए जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। महादेव की कृपा के लिए आप ये उपाय ज़रूर करेंगे। आपसे आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि महादेव आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर हर महादेव। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें।
9818300146, ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए sharma.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।